अन्यंग यूरोबोन पंगा वायो। दोस्तों, हमारे पास BTS आर्मी के लिए हमेशा लेटेस्ट न्यूज होती है, जिसे आपकी ओनली और के ड्रामा जो सबसे पहले आपके पास पहुंचाती है। तो ऐसी ही एक और लेटेस्ट न्यूज हम आपके साथ शेयर करें, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए। दोस्तों, जितनी स्पीड से चांद पर रॉकेट नहीं गया, उससे कहीं ज्यादा स्पीड से इंडिया में K-pop की डिमांड बढ़ रही है और ये डिमांड अब बॉलीवुड में भी दिखने लगी है। हमारे कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज K-pop म्यूजिक के लिए अपना क्रेज दिखा चुके हैं, जिसमें इंडियन पॉप स्टार अरमान मलिक का नाम सबसे ऊपर है। वे K-pop म्यूजिक के दीवाने हैं और BTS के बहुत बड़े फैन हैं और अक्सर BTS सॉन्ग डायनामाइट सिंग करते दिख जाते हैं। अरमान मलिक ने K-pop म्यूजिक के लिए एक स्टेप आगे बढ़ते हुए कोरियन अमेरिकन सिंगर एरिक नाम और इंडियन अमेरिकन म्यूजिक प्रोड्यूसर कैश्मीर के साथ न्यू सॉन्ग एको के लिए कोलैबोरेशन किया और ये सॉन्ग 21 मई को रिलीज किया गया। दोस्तों, आपको याद होगा 21 मई को ही BTS का न्यू सॉन्ग बटर भी रिलीज किया गया था। BTS की इतनी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग होने के बाद भी अरमान और एरिक कोलैबोरेशन सॉन्ग एको को अनबिलीवेबल रेस्पॉन्स मिला और 10 डेज में 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज भी गेन किए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस सॉन्ग को नहीं सुना तो सुनकर देखिए, ये सॉन्ग आपकी प्लेलिस्ट में हमेशा के लिए ऐड होने वाला है। एको की सक्सेस के लिए अरमान ने अपने फैंस को ट्विटर पर बधाई दी, साथ ही एरिक और कैश्मीर के फैंस के सपोर्ट को भी वेलकम किया। अगर आप K-pop सिंगर एरिक नाम और म्यूजिक प्रोड्यूसर कैश्मीर के बारे में नहीं जानते तो इस पर बनी हमारी वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया, अरमान BTS के बहुत बड़े फैन हैं और इस बात को भी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि वे BTS के साथ फ्यूचर में काम करना चाहेंगे। अरमान अक्सर ट्विटर पर अपने फैंस के आंसर देते रहते हैं। उनके एक फैन ने उनसे पूछा कि उन्हें BTS मेंबर्स में किसकी वॉइस सबसे ज्यादा पसंद है, तो उन्होंने रिप्लाई दिया कि उन्हें जंगकुक की वॉइस सबसे ज्यादा पसंद है। मुझे तो जंगकुक का यूफोरिया सॉन्ग बेहद पसंद है। आपको जंगकुक का कौन सा सॉन्ग पसंद है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा वे ट्विटर पर एक हिंट देते भी दिखाई दिए, जिसे देखने के बाद सभी फैंस का कहना था कि अरमान BTS के साथ कोलैबोरेशन करने वाले हैं। हालांकि इस तरह की कोई अनाउंसमेंट अब तक नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही हमें पता चल जाएगा कि आखिर अरमान किस सरप्राइज की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही अरमान कोरियन लैंग्वेज भी सीख रहे हैं, जिसके हिंट भी उन्होंने ट्विटर पर दी। उनकी एक फैन ने उन्हें कोरियन लैंग्वेज में सारंगी लिखा, तो उन्होंने इसका रिप्लाई देते हुए नादो सारंगी लिखा। हमारे काफी ऐसे दोस्त होंगे जो इसका मतलब समझ गए होंगे, लेकिन हमारे जिन दोस्तों को नहीं पता उन्हें बता दें, कोरियन लैंग्वेज में सारंगी का मतलब आई लव यू होता है और नादो सारंगी का मीनिंग आई लव यू टू होता है। इंडियन BTS आर्मी के लिए अरमान और BTS के कोलैबोरेशन से बड़ी न्यूज कुछ नहीं हो सकती। अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होने जा रहा है जिसकी हिंट हमें दी जा रही है, तो क्या इंडियन BTS आर्मी ऐसे अमेजिंग सरप्राइज का वेलकम करने के लिए आप तैयार हैं? अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आप कोरिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल हेल्प मी इन्फो पर लोटे वर्ल्ड टावर पर बनी वीडियो देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों जगह मिल जाएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, द मैं तो बायो।